गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हम देखेंगे 22 नवंबर 2021 के क्वेश्चंस। तो शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का कि हाल ही में किसने वियना टेनिस ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर ज़वेरेव। और आपको बता देते हैं कि इस टेनिस प्रतियोगिता में इन्होंने यूएसए के फ्रांसिस टीएफओ को हराकर यह खिताब जीता है। अलेक्जेंडर जेवेरिक जर्मनी के खिलाड़ी हैं। टेनिस में एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद में आपका फ्रेंच ओपन, और इसके बाद में आपका विंबलडन ओपन, और इसके बाद में यूएस ओपन खेला जाता है। ये क्रमवार हैं। तो आपको 2021 के इन 4 ग्रैंड स्लैमों के विजेताओं, मैन सिंगल और मैन वुमेन्स दोनों का पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 मैन सिंगल में नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता है। जबकि फ्रेंच ओपन 2021 मैन सिंगल्स में नोवाक जोकोविच, इन्होंने ही जीता है। और वुमेन सिंगल 2021 बारबोरा क्राचिकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है। विंबलडन ओपन 2021 मेंस नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। जबकि वुमेन सिंगल खिताब एसले बाटली, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, उन्होंने जीता है। और यूएस ओपन 2021 का मेंस खिताब डैनियल मतवदेव ने जीता है, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। और महिला सिंगल का खिताब एमा राडाकामू ने जीता है, जो कि ब्रिटिश खिलाड़ी हैं। कौन सा ग्रैंड स्लैम कहाँ खेला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलियन जो ग्रैंड स्लैम है, ये आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट पर, और यूएस ओपन आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसी के साथ ही मित्रों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारत का पहला वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए, अभी यूपी के नोएडा शहर में भारत का पहला वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया है। इसके उद्घाटनकर्ता थे वर्तमान में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। इस टावर का निर्माण भेल ने किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह टावर अपने आसपास की जो प्रदूषित हवा है उसको स्वच्छ करेगा और उसके बदले में शुद्ध हवा छोड़ेगा। जब वायु प्रदूषण की बात हो रही है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और आपको मैं बता देता हूँ फैक्ट के रूप में कि भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ लगा था? चंडीगढ़ में लगा था। चंडीगढ़ आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी भी है। भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ लगा था? तो यह आपका नई दिल्ली में लगा था। हाल ही में जारी IQAir यानी कि वायु गुणवत्ता सूचनांक जारी हुआ है, जिसमें टॉप पर दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर रहा है, जबकि सेकंड नंबर पर लाहौर रहा था। और इसी इंडेक्स में भारत के 3 शहर टॉप 10 में शामिल थे, जिसमें से पहले नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर कोलकाता और छठवें नंबर पर मुंबई रहा। अब बात यूपी की है, तो यूपी के राजधानी देख लेते हैं। यूपी की राजधानी आपकी ये लखनऊ है, जो कि आपकी गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। बात नोएडा सिटी की हुई है, तो 2 फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं कि भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय आपके ग्रेटर नोएडा में खुलेगा, जबकि ग्रेटर नोएडा में ही आपकी देश की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे TRIFED यानी कि ट्राइब्ड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो MC मैरी कॉम को ट्राइब्ड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनकी लोकसभा क्षेत्र खूंटी झारखंड है, ने भगवान
बिरसा मुंडा के पोते सुखाराम मुंडा की उपस्थिति में नई दिल्ली के दिल्ली हाट नामक जगह पर ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया और ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये एक राष्ट्रीय आदिवासी त्यौहार है। ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या होगी? ट्राइफेड की फुल फॉर्म होगी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। इसी के साथ जब ब्रांड एम्बेसडरों की बात हो रही है तो आपको मैं बता देता हूँ कि अमिताभ बच्चन भी अभी क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन BCX के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं, अभी ओलंपिक पदक विजेता रही हैं। इन्हें एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जबकि मास्टर कार्ड की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर मैगलस कार्लसन को बनाया गया है। नारायण कीर्तिकेन, इनका नाम याद रखना, भारत के पहले F1 रेसिंग ड्राइवर हैं। JK टायर्स इंडस्ट्रीज ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है। SBI का फुटबॉल के खेल में ये पहला अपने आप में समझौता है। कर्नाटक विकास बैंक की बात याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम अवार्ड जीता था अभी कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं, देश भर में माइक्रो ATM शुरू करेगा। HDFC बैंक एशिया मनी के द्वारा मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इसको चुना गया था और मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण भी HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। बात SBI की है तो इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके वर्तमान चेयरमैन दिनेश कुमार खरा हैं। SBI ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र वीडियो माध्यम से शुरू की थी। इसने ही भारतीय नौसेना के लिए एक ई कार्ड जिसका नाम नेओ ई कैश था को लॉन्च किया। SBI ने कश्मीर की डल झील में हाउस बोट पर देश का पहला नाव ATM भी खोला था। SBI सिम बाइंडिंग फीचर को लॉन्च किया है SBI ने, जो एक तरह का सिक्योरिटी फीचर है जो कि SBI के यूनो ऐप को फुल प्रूफ बनाने के लिए सहायक होगा। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने SBI की पहली ब्रांच का उद्घाटन किया। SBI ने हेल्थ सेक्टर को मदद करने के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन को भी लॉन्च किया था। SBI ने ही कवच पर्सनल लोन योजना शुरू की थी और SBI ने वर्ष 2020 का ब्रेडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंट अवार्ड भी जीता था। तो इतने सारे फैक्ट आपको SBI और अन्य बैंकों से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश आगामी ICC Under-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर होगा वेस्टइंडीज। तो हाल ही में वेस्टइंडीज देश के जो देश है वो आपका ICC Under-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2024 में USA व वेस्टइंडीज T20 वर्ल्ड कप को भी होस्ट करेंगे, मतलब संयुक्त रूप से होस्ट करेंगे। 2025 में प्रस्तावित चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान होस्ट करेगा। ये क्वेश्चन आपको मैं फैक्ट के रूप में बता रहा हूँ, रिलेट करके पढ़ेंगे। 2021 के T20 वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था, तब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है। मिचेल मार्श का नाम ध्यान रखना, प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे ये T20 में और इसका आयोजन ओमान और UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में संयुक्त रूप से किया गया था। खेलों की बात हो रही है तो FIFA Under-17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का भी ध्यान रखेंगे कि भारत में होंगे और इसका शुभंकर भी लॉन्च कर दिया गया है। ईवा नाम की एक एशियाई शेरनी इसकी शुभंकर
बनी है। आईसीसी, आईसीसी की बात हो रही है, क्रिकेट की बात हो रही है, तो आईसीसी को भी नहीं भूलना है। आईसीसी का फुल स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। वर्तमान चेयरमैन इसके ग्रेग पार्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? सौरव गांगुली बने हैं, जिन्हें हम दादा के नाम से जानते हैं। वीवीएस लक्ष्मण का नाम ध्यान रखना, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के नए मुख्य कोच बने हैं, राहुल द्रविड़ की जगह ली है। और राहुल द्रविड़ ने हाल ही में भारतीय मुख्य क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं, रवि शास्त्री का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हाल ही में राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 19 नवंबर, और इस बार 104वीं जयंती पर बनाया गया। किसकी 104वीं जयंती पर बनाया गया? तो यह भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में बनाया गया। इन्हें आयरन लेडी के उपनाम से भी जाना जाता है। याद रखना, आयरन, अगर आपसे आयरन लेडी के नाम से पूछा जाए तो इंदिरा गांधी, और आयरन पुरुष यानी कि लोह पुरुष के नाम से अगर पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर रहेगा। एक ये तो था राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, दूसरा है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के डांग जिला को 100% जैविक खेती घोषित किया गया है? तो देखिए, गुजरात के डांग जिला को 100% जैविक खेती घोषित किया गया है। 19 नवंबर 2021 को पूर्वी गुजरात के डांग जिले को 100% जैविक खेती घोषित किया गया है। यह आदिवासी जिला है। इस जगह राज्य सरकार ने जैविक रसायन व कीटनाशक दवाओं के उपयोग न करने हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं, जिनके अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक किसान को 2 हेक्टर के हिसाब से ₹10,000 प्रति हेक्टर की सब्सिडी दे रही है। भारत का पहला पूर्ण रूप से घोषित जैविक राज्य यानी कि ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं, रिलेट करके पढ़ेंगे। कौन सा है? सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर पूछा जाए कि भारत का पहला और पूर्णतया ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। अगर पूछा जाए विश्व के संदर्भ में कि विश्व का पहला पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक यानी कि जैविक देश कौन सा है, तो वो है आपका भूटान। एक चीज आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने अपने आप को पूर्ण ऑर्गेनिक बनाने का लक्ष्य रखा है, और 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है, और इसके साथ सिक्किम राज्य के साथ मिलकर एक समझौता भी किया है। बात गुजरात की हो रही है तो अदर फैक्ट्स देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे, गांधीनगर से ही हमारे अमित शाह जो हैं वो लोकसभा सांसद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं वर्तमान में। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, नए बने हैं अभी कुछ दिनों पहले ही। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की प्रमुख योजनाएं आपको बता देता हूं जो हाल ही में चर्चा में रही हैं। प्रमुख योजना है वतन प्रेम योजना, ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन, कृषि विविधीकरण योजना। ये कुछ योजना हैं जो गुजरात से अभी करंट में है। गुजरात का एक छोटा सा गांव है कुंड्रिया गांव, इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण नाम था। क्यों था? क्योंकि गुजरात के कुनरिया गांव में पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन किया गया था। गुजरात हाई कोर्ट अपने सभी कार्यवाहियों का यूट्यूब पर प्रसारण करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बना था। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना था। कांडला बंदरगाह का जो नाम है वो भी अभी परिवर्तित कर दिया गया था, उसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसी के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले गुजरात के प्रमुख स्थल
तो देखिए अभी तक गुजरात से यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में चार जो विश्व विरासतें हैं वो शामिल की गई हैं। फोर्थ नंबर की जो अभी नई शामिल हुई है वो है धौलावीरा। धौलावीरा का स्थानीय नाम है कोटलादा टिब्बा, और धौलावीरा समेत अब भारत के 40 स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो गए हैं। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र गांधीनगर में स्थापित होगा। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात में स्थापित होगा। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद में बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में बना था, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया था। इसका पुराना नाम आपसे पूछा जा सकता है कि इस क्रिकेट स्टेडियम का पुराना नाम क्या है, तो मोटारा क्रिकेट स्टेडियम था, जहां पर ट्रंप जब इंडिया के दौरे पर आए थे तो नमस्ते इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात से याद रखना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि कुछ समय पहले ही इस मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी इस मंदिर ट्रस्ट के दूसरे प्रधानमंत्री थे जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो पहले कौन थे? पहले थे सर मोरारजी देसाई। गुजरात के ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया था। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में बनाया गया है, और भारत का पहला डायनासोर पार्क महीसागर जिले में बनाया गया है। तो इतने सारे फैक्ट आप गुजरात से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए फिल्म इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है, तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को ये इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड दिया जाएगा। कौन से वर्ष का? 2020 का। तो वर्तमान केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक कार्यक्रम में घोषणा की है कि वर्ष 2020 के लिए IFPA इन दोनों को जो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड है इन दोनों को दिया जाएगा। हेमा मालिनी की बात कर लेते हैं, तो जो हेमा मालिनी है ये वर्तमान में मथुरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद हैं। इन्होंने 1963 में अभिनय की शुरुआत की थी, यानी कि फिल्म में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। प्रसून जोशी कौन है? तो प्रसून जोशी ये एक कवि, लेखक, गीतकार और पटकथा लेखक हैं। आपको बता दें यह अवार्ड नवंबर 2021 में गोया में आयोजित 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड कार्यक्रम में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने श्री रामायण पुस्तक का विमोचन किया? तो एम वेंकैया नायडू द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया, जो कि हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और ये जो पुस्तक है ये हमारे उपराष्ट्रपति जी ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम में रिलीज की थी। इसके लेखक कौन है? तो श्री शशि किरण, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं सतीश रेड्डी जी, उनके निजी सचिव हैं अमेश को विजय कुमार के द्वारा ये लिखी गई है। तो यहाँ पर बात हुई है बात हुई है केंद्रीय मंत्री जी सतीश रेड्डी, ये कौन से मंत्री हैं? तो ये वर्तमान में हमारे केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री हैं। ठीक है, विषय वस्तु क्या है इस पुस्तक की? तो विषय वस्तु है कि भगवान राम के जीवन पर ये आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किसने WTA फाइनल्स का खिताब जीत लिया है? तो ये जीता है गार्बाइन मुगुरुजा। तो क्या है ये WTA? तो WTA है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म है। और इसके जो वर्तमान में CEO हैं वो हैं सत्वे सिमोन, और इसका हेडक्वार्टर है सेंट पीटरबर्ग फ्लोरिडा USA में। तो ये जो मुगुरुजा हैं ये इनके कैरियर का पहला WTA खिताब है। बात स्पेन की है, क्योंकि ये मुगुरुजा हैं वो स्पेन से बिलोंग करती हैं, स्पेनिश खिलाड़ी हैं। तो स्पेन की बात हुई है तो इसकी राजधानी है माद्रिद। मुद्रा यहाँ पर यूरो चलती है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री
मारियानो रोहोई है और राजा वर्तमान में हुआन कार्लोस हैं। तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो ये सेशन आज डेली करंट अफेयर का आपको पसंद आया है तो अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।